थायराइड के दो प्रकार हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। इन दोनों में क्या अंतर है, बताएंगे हमारे एंडोक्राइन विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक अग्रवाल। हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन से बनने वाले हार्मोन्स की कमी है, और थायराइड हार्मोन का मेन मकसद या मेन काम होता है शरीर में ऊर्जा बनाना। तो इसकी कमी से आने वाले सारे सिस्टम्स में जो चेंजेस विकार आते हैं उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसी तरह यदि थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो हम उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसमें ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है, जिससे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, जिसके कारण बाकी सभी सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण पैदा करते हैं। थायराइड के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।